flowers in my garden never looked as bright as day. Like a happy child, I watched them grow out of only seed. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me, Sumit Singh, and hope you're doing absolutely well. So if you don't know me, I am Sumit Singh, currently pursuing BCom program from Satyavati College, Delhi University. And this was the day when I was preparing for my business law exam of the Delhi University exams. And that day I was just starting off with the first unit of business law. So I was just studying from YouTube itself. So yeah. Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. It's me, Sumit Singh, and hope you're doing absolutely well. So today is 31st of December and my business law ka exam is on 3rd of January, which is like meko business law mein kuch nahi aata, so I'm going to prepare for that. But business law mein like meko bahut zyada knowledge nahi hai ki main usme confident hu ki main answer framing kar sakta hu and you know pages bhar sakta hu, but aisa nahi hai. Business law mein meko sach mein padhna padega. And abhi for now it is 2:25 in the afternoon and I'm going to start the first unit. Like मैंने कल बहुत थोड़ा सा कर लिया था कुछ टॉपिक्स फर्स्ट यूनिट से, बट स्टिल सम टॉपिक्स आर लेफ्ट एंड आई विल प्रिपेयर फॉर दैट. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू स्टडिंग. एंड फॉर नाउ लाइक प्लान चेंज, मैं पहले जो रिवाइज करूँगा जो भी मैंने कल लिखा था, नोट्स बनाए थे शॉर्ट नोट्स. एंड द थिंग इज कि इट विल टेक लाइक 15 मिनट्स टू रिवाइज एंड इट विल जस्ट मेंटेन द कंटिन्यूएशन वे आई हैव लेफ्ट yesterday, so that's the thing. So yeah, let's get right into revision of that note. सो गाइज, आज है 2nd of January एंड कल है 3rd of January. दैट इज़ मेरा कल एग्ज़ाम है बिजनेस लॉ का. एंड मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा. यूनिट वन मैंने जो पढ़ा उसी को बस मैं रिवाइज़ कर रहा था. बाकी 5 units हैं, 5 units में मतलब आई एम नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट. एंड ऑल्सो लॉ में कुछ नहीं पता कि क्या आएगा. और लॉ में इतना सब है पढ़ने के लिए, इतना सब है कि मेरी 12th और 11th दोनों की बिजनेस स्टडीज उसमें कवर हो जाए. लाइक इतना सब कौन देता है यार चैप्टर्स. मतलब बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, LLP एक्ट, फलाना एक्ट, ढिमकाना, में सब दे दिया भाई. और उनको पढ़ो भी और प्रेपरेटरी लीव्स जो दी हैं वो भी सफिशिएंट नहीं पड़ रही. लाइक मैं यूनिट वन कंप्लीट करने में मैंने पूरी प्रेपरेटरी लीव जो भी मिली थी लाइक डेज सब खत्म कर दिया. मैंने 5 दिन मिले थे और 5वें दिन मैंने यूनिट वन में लगा दिया. एंड दैट्स द थिंग, हाउ स्टूपिड आई एम. मेरे को पूरा करने चाहिए था. लेकिन हाँ, ये है कि यूनिट वन में आई एम प्रेटी मच कॉन्फिडेंट एंड यूनिट वन बहुत बड़ा भी था. एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू रिवाइज इट. लाइक मैंने जो भी पढ़ा है कम से कम वो तो याद हो. एंड लाइक हाँ, मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ और मेरे को याद करके रिवाइज करना ताकि मैं और कॉन्फिडेंट हूँ. एंड उसके बाद मेरे पास है करने के लिए, लाइक मैं सोच रहा हूँ कि मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगा लूँ, लाइक उनको एक बार देख लूँ कि उसमें क्या आया था ताकि एक रफ आइडिया मिल जाए एंड मेरे को कल हेल्प हो जाए. देखते हैं क्या होता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता. लॉ में मेरे को सच बता रहा हूँ, ना मेरे को BOM में डर लगा, ना मेरे को डिजिटल कम्युनिकेशन में, ना मेरे को आने वाले पेपर्स में डर लग रहा है. मैं हूँ डरा हुआ फॉर बिजनेस लॉ, क्योंकि इसमें सब कुछ नया है. मैं कुछ भी इधर से बना के नहीं लिख सकता अगर मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है तो. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू स्टडिंग. वॉट आई एम रिवाइजिंग इज योर यूनिट वन एंड आफ्टर दैट आई विल डू द क्वेश्चन पेपर ऑफ पास्ट ईयर्स या ऑफ शिवदास. सो लेट्स गेट इन टू स्टडिंग. सो गाइज, आज है 3rd of January, आज मेरा बिजनेस लॉ का एग्जाम है और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता. लाइक लिटरली मैंने जितना एफर्ट्स मैंने दे सकता था मैंने करा, मैंने अपने एफर्ट्स दिए, बट मेरे को लाइक अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है उसके लिए. होपिंग फॉर द बेस्ट, भगवान करे एग्ज़ाम आसान सा है और मेरा जल्दी से ये वाला एग्ज़ाम भी हो जाए और एक एग्ज़ाम और ख़त्म हो.
सो दैट्स द थिंग फॉर नाउ आई विल बी गेटिंग रेडी फॉर द कॉलेज एंड विल लीव एट 12:45 बिकॉज मेरा 2:30 पे एग्जाम है सो होपिंग फॉर द बेस्ट बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट विशेज टू मी एज वेल Summer rain on a window. Watch the time float on. Cool air blows up. लॉ का एग्जाम हो गया बट मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें कैसे लिख कर आया हूँ मतलब मेरे को सच में कुछ नहीं पता कि मैं क्या लिखा हूँ क्या नहीं लिखा होप फॉर द बेस्ट लॉ का पेपर अच्छा जाए और मतलब जो मार्क्स हैं वो टीचर दिल खोल कर दें सो दैट्स द थिंग लेट्स सी दैट हाय गाइस सो आज है 4th of January एंड अभी बज रहे हैं रात के 11 एंड मैं जा रहा हूँ अपना पढ़ाई स्टार्ट करने फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेंसी बिकॉज मेरा उसका पेपर है 9th of January को सो आई हैव टू स्टडी फॉर दैट एंड या आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन दिस सब्जेक्ट बट मैं इसमें नर्वस या फिर कोई टेंस भी नहीं हूँ क्योंकि हो जाएगा बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है फॉर मी बट द थिंग इज़ आई हैव टू फोकस वेल बिकॉज अगर मैंने बात के लिए छोड़ा सो वो थोड़ा सा मेस्ड अप हो जाएगा बाद में सो दैट्स द थिंग लेट्स गेट स्टार्टेड स्टार्टिंग राइट नाउ एंड ऑल्सो दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई है लाइक सच में आज 4th of January है जो भी दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में सो दैट्स वाई आई एम वेयरिंग दिस ग्लव्स एंड ये सिर्फ लेफ्ट हैंड में है राइट हैंड में मैंने कुछ नहीं पहना बिकॉज लिख नहीं पाऊँगा मैं जो भी लिखूँगा सो आई हैव टू जस्ट सिक्योर माई सेल्फ फॉर द विंटर्स एंड या दिल्ली की ठंड बहुत ज़्यादा है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना फाइनेंशियल अकाउंटेंसी को मैंने कितनी बार बोल दिया चलो पढ़ते हैं बस खत्म है
सो हेयर आई वॉज डूइंग सोल प्रोप्राइटरशिप के क्वेश्चन लाइक 18 मार्क्स का है, अगर आया तो बढ़िया, नहीं तो ऑप्शन में NPO है एंड NPO मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर रहा. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चन लाइक सोल प्रोप्राइटर के मैंने दो क्वेश्चन अभी अभी अटैम्प्ट किए एंड फॉर नाउ आई विल बी गोइंग टू टेक शार एंड विल कंटिन्यू विद द डिपार्टमेंटल अकाउंट क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो I'll do that and lease accounting is not meant for like मैं उसको समझ नहीं पा रहा कि मैं उसमें थियोरी करूँ या प्रैक्टिकल, बट मोस्ट प्रोबेबली आई बी डूइंग थियोरी पार्ट ऑफ लीज अकाउंटिंग क्योंकि उन दोनों में चॉइस रहेगी. सो दैट्स द थिंग, दिस इज इट फॉर राइट नाउ. आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द डिपार्टमेंटल आफ्टर आई टेक शार. हाय गाइस, सो आज है 8th of January एंड कल है मेरा एग्ज़ाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. एंड आई डोंट नो मेरे को क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए टेंशन हो ही नहीं रही है. मतलब मेरे को पता नहीं लग रहा है कि जो भी आएगा हो जाएगा. आई एम नॉट एट ऑल वरीड अबाउट दैट. मतलब उसके बाद मेरा EVS का भी एग्ज़ाम है तो मेरे को उसके लिए भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं हो रही. सो आप समझ सकते हो कि कितना चिल हूँ मैं आजकल. और उसके बाद फिर 17th को मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस वैक का है, वैल्यू एडिशन कोर्स का. सो उसके लिए थोड़ा सा टेंशन है बट नहीं भी क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम है और 30 मार्क्स का तो पेपर आराम से हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है. एंड या आई एम करेंटली स्टडिंग द थ्योरी पार्ट क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली है मैंने. लेट्स सी कल का पेपर कैसा जाता है. होप फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल इफ़ योर एग्जाम्स आर स्टिल गोइंग ऑन. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड स्टडी थ्योरी. फाइनली एक कैलकुलेटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के लिए. सो इसको भी रखते हैं या लेट्स गो. गाइज एग्ज़ाम हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड आई एम गोइंग बैक होम. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम इतना अच्छा तो नहीं गया लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मतलब मैं पास हूँ और अच्छे मार्क्स हैं. मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में मैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि फुल मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, बट या जो भी गया ठीक है. कल EVS का पेपर है सो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट. EVS का एग्ज़ाम हो गया एंड अब मैं जा रहा हूँ घर. और EVS का एग्ज़ाम मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया क्योंकि मैंने एक दिन की पढ़ाई में क्या ही अच्छा जाएगा, बट हाँ जैसा गया ठीक गया. अब अगला 17th of January को है तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं. लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट.
I hope you guys liked today's video, and if you did, please make sure to like, and if you're new to my YouTube channel, please make sure to subscribe and hit the bell icon for more updates. And yeah, thanks for watching. Bye.